स्टूडेंटे वी हैीट टू बेटे जो वर्कशीट वन की थी उसमें जो क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन उसमें होल नंबर गिवन थे थीके? तो आज वाले जो क्वेश्चंस हैं वर्कशीट टू के इसमें आपको फ्रैक्शनल नंबर गिवन है ठीक है जो नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है ठीक है तो आपको फ्रैक्शंस आते हैं उ टू सोल्व द फ्रैक्शन यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आर देयर तो अब आप ये देखिए जो डी मास रूल हमने पढ़ा था उस डी मूल को हम कैसे अप्लाई करेंगे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पे ओके सो लेट स्टार्ट सी द क्वेश्चन नंबर वन ए पार्ट ए पार्ट देखिए सेवन बाय एट माइनस थ्री बाय एट प्लस फाइव बाय एट अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बेटे तो आपको पता चलेगा ये लाइक like फ्रैक्शन है बिकॉज दीज फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर आई यूज हेयर वर्ड सेम यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो सेम है एट एट आ रहा है सारे फ्रैक्शन में ठीक है तो ये क्या है लाइक like फ्रैक्शन जो लाइक like फ्रैक्शन होती है उसको सॉल्व करना बहुत ईजी होता है ठीक है क्योंकि इसका अगर हम एल्सियम लेंगे बेटे तो एल्सियम तो वही आएगा जो डिनोमिनेटर है दैट इज एट ओके एट को हमने नीचे रखा सेवन माइनस थ्री प्लस फाइव और ये आपने लाइन पूरी लगानी है सेवन से लेकर फाइव तक पूरी लाइन आनी चाहिए बीच में कुछ भी ब्रेक नहीं करनी आपने ठीक है ये कंप्लीट लाइन आएगी आपकी सेवन से पूरा फाइव तक ओके okay? अब आपको पता है हम कौन सा रूल कर रहे हैं डी मास वी आर अप्लाइंग डी मास रूल डी तो मास रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन तो है नहीं लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन है एडिशन सब्ट्रैक्शन में पहले हमें क्या करना है एडिशन को सॉल्व करना है सेवन प्लस का है सेवन के पीछे नेगेटिव साइन है माइनस का ठीक है तो आप इसको माइनस का ना बना देना ये माइनस का नहीं होगा माइनस थ्री है ठीक है जो लेफ्ट में जो साइन होगा जिस नंबर के वही साइन हम एज्यूम करेंगे ओके okay, स्टूडेंट ये तो सेवन के राइट right में है तो ये तो थ्री के साथ है सेवन का साइन कौन सा है प्लस का तो प्लस का साइन हम आगे लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव है ये प्लस का है ओके सेवन प्लस फाइव वी गेट ट्वेल्व माइनस थ्री आपने एकदम से सॉल्व नहीं करना स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे पहले आपने एक ऑपरेशन सॉल्व किया सेवन प्लस फाइव यू यू हैव रिटर्न हेयर ट्वेल्व देन माइनस का साइन लगाएंगे थ्री अब आपने माइनस करना है अगले स्टेप में ट्वेल्व में से थ्री गए नाइन और एट एज इट इज आ जाएगा और इसको हमने मिक्सड नंबर में चेंज कर दिया क्यों क्यों क्या इसको मिक्स नंबर में चेंज क्योंकि ये इनप्रॉपर फ्रैक्शन है ठीक है इनप्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता ही है जिसका न्यूमिरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो उसको हमने मिक्स्ड नंबर में लिख दिया ओके नाउ सी द बी पार्ट बी पार्ट है वन बाई टू प्लस थ्री बाय टेन डिवाइडेड बाय थ्री बाय फाइव बेटे अभी तक आप जो भी ऑपरेशंस पढ़ते आए हैं डेसिमल नंबर में आपने कुछ ऑपरेशंस पढ़े हैं ठीक है फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है वो सब का सब आपका यूज होगा यहां पे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये मैंने एज इट इज लिख दिया यहां तक बेटे डिवीजन का साइन हटाएंगे और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा ठीक है ये देखिए मल्टीप्लाई का साइन लगाया इस नंबर का रेसिप्रोकल किया तो फाइव बाय थ्री जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ गया और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ गया अब आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए थ्री और थ्री आपस में कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर ठीक है तो थ्री वन जा थ्री ये कैंसिल हो गया अब फाइव वन झा फाइव और फाइव टू जा टेन ठीक है तो आपने देखा किस तरह से सॉल्व हो गया ये इजिली चलिए वन बाय टू प्लस अब इसको जब हमने सॉल्व किया आपको पता है डी मास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लीकेशन ही सॉल्व होनी थी प्लस वाले को हम बाद में करेंगे पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू डी मास ओके तभी हमने डिवीज़न का साइन हटाया इसका रेसिप्रोकल किया और पहले मल्टीप्लीकेशन कर दी ओके चलिए देखिए अब यहां पे क्या आया वन बाय टू सॉल्व करके तो यही आएगा वन को वन से मल्टीप्लाई करा वन और टू को वन से मल्टीप्लाई किया वी गेट टू चलिए अब ये क्या है लाइक like फ्रैक्शन अगर ये लाइक like फ्रैक्शन है देन वट वी कैन डू वी कैन राइट हेयर टू एंड वन प्लस वन वन प्लस वन कितना होता है टू टू बाय टू आ गया टू वन जर टू कैंसल हो गया आंसर विल बी वन ओके